साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। व्हाई दिस कश्मीर फाइल्स टू ह्यूमिलिएट वन सेक्शन, व्हाट इज दिस केरला फाइल्स? दो आई डोंट सपोर्ट द सीपीएम पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, चार दिन हो गए और बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल वॉर्स हो रहे हैं। मतलब ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। अभी यूपी और एमपी में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इस पर बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, टीवी पर भी बहुत चर्चा आ रही है। इन सब के बीच में दोस्तों केरला स्टोरी ने आज 50 करोड़ का अर्निंग मार्क कर दिया है। 50 करोड़, हाँ जी दोस्तों, पहले 8 करोड़, बाद में 11 करोड़, बाद में 15 करोड़, और अब तक आज मंगलवार को शाम तक उसने 50 करोड़ रीच कर दिया है दोस्तों, और आगे भी बहुत सारे रीच करने वाली है। पर यह भी बात है कि आपको सबको पता होगा कि ममता बनर्जी ने ये फिल्म को वेस्ट बंगाल में बैन कर दिया है, और अभी भी रिसेंट न्यूज ऐसे ही मिल रहा है कि तमिलनाडु के जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन वाले थे उन्होंने ये फिल्म तमिलनाडु में स्क्रीन करने के लिए मना कर दिया है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। मोदी ने ये फिल्म को बहुत प्रेस किया है, नहीं वो सच्चाई दिखाई है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया। और यहाँ ममता बनर्जी जी जो बोल रही है कि नहीं ये गलत दिखाया है और वगैरह वगैरह, कश्मीर फाइल्स को भी उन्होंने गलत बोला है, और उसमें विवेक अग्निहोत्री ने उसके पिटीशन में दाखिल की है कि नहीं ये डिफेम करने के बाद है कश्मीर फाइल को, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड है। तो ये भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी अभी हो रही है। व्हाई दिस कश्मीर फाइल्स टू ह्यूमिलिएट वन सेक्शन, व्हाट इज दिस केरला फाइल्स? दो आई डोंट सपोर्ट द सीपीएम पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीपीएम पार्टी, बिकॉज दे आर वर्किंग विद बीजेपी instead of me, it was their duty to criticize it, but they work together. I will request the state government chief minister, very sad that your party is working with BJP and that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. Even मतलब आप सोचिए कि कुछ सच्चाई दिखा रही है और कोई पॉलिटिकल आदमी उसको गलत बोल रहा है, तो ये क्यों आप कर रहे हो? आपको जो चीज हुई आपको कंडेम नहीं करना है उसको कि नहीं अरे गलत हुआ, आप बोलो गलत हुआ, बुरा हुआ ना, तो वो नहीं कर रहे और आप बैन कर रहे हो, तो ये क्या दिखा रहा है? आप सोचना अपने दिमाग से, मैं उसमें कुछ नहीं बोलने वाला कि कुछ चीजें सच्चाई पे आधारित है, वो जस्ट आपको ऐसे ही दिखाई है स्टोरी में, और आप उसको बोल रहे कि ये गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है? आपके पास क्या एविडेंस है गलत है? पता नहीं क्यों ममता बनर्जी ने ये बैन कर दिया है पूरे पश्चिम बंगाल में। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट दीदी विदाउट वॉचिंग द फिल्म हाउ कुड शी डिसाइड दैट इट इज अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर व्हेन कलकत्ता हैज गॉन आउट एंड सॉ द फिल्म विथ होल हार्टेडनेस। फर्स्ट 4 days ऑफ द फिल्म इज एब्सोल्युटली पैक्ड हाउस ऑलरेडी, यू नो माई फिल्म हैज बीन अनाउंस्ड अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर। Kolkata has seen the film with their heart. Kolkata had not a single incident, untoward incidents has happened in Kolkata. Nobody reported any kind. पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में इसको बैन करने से मुझे नहीं लगता इसको कोई फर्क पड़ेगा। और दोस्तों ये डेफिनेटली मस्ट वॉच मूवी है, एज अ इंडियन हमें ये देखनी चाहिए और ऐसी चीजें भविष्य में ना हो, इसलिए हमको हमारी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, मैंने केरल के लोग हैं उनसे भी बात की है, प्रॉपर केरल के, कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी सच है या गलत है।
तो दो तीन मैंने जिससे भी पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं ये सब दिखा है, वो पूरा फैक्ट है, और हम केरल में पूरे बिलीव करते हैं कि ये जो भी है सच्चाई है। वहाँ जो केरल है ना, उनको पता है कि जब जब ये चीज़ हुई थी बहुत सारे मतलब न्यूज़ में यही दिखा रहे थे, और उनको सबको पता है कि नहीं ये सभी जो तीन चीज़ दिखाई है वो पूरी फैक्ट बेस्ड है। और हाँ, वहाँ बहुत सारों का धर्म परिवर्तन होता है, और मतलब अगर आपको डाउट है तो आप श्योरली कोई भी आपको केरलिन है आपके अगल बगल में तो आप उसको पूछिए, आपको इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि हमें तो जो हमारा सोशल मीडिया दिखाएगा, जो भी न्यूज़ में आएगा उससे ही बिलीव करेंगे ना। जब आपको रूट में जाना है कि सच्चाई क्या है, तो आप वहाँ के लोकल को किसी को पूछ सकते हैं, तो आपको 100% ट्रूथ मिलेगा कि नहीं ये सब चीज़ें सही है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ के स्टेट में कुछ होता है तो हमें पता होता है, पूरे इंडिया में तो जो न्यूज़ में दिखाएंगे वही चलेगा। अगर यहाँ पर हमको कुछ पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि गुजरात में ऐसा है ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों केरल में भी आप किसी को पूछ लेना, मैंने दो आदमियों को पूछा है और उन्होंने 100% बोला कि नहीं हमने मूवी देखी है और ऐसा ही हुआ था, और ये सब जो चीज़ें दिखाई वो 100% फैक्ट है दोस्तों। तो आप ज़रूर से आप बताएगा कि आपका सोचना क्या है, कि ये गलत है कि सही है। थैंक यू सो मच।